इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, हद से ज्यादा तुमसे प्यार हो गया। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी नए चैनल पे आए हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से भी करवाना। और हम लोग यहाँ पे TCS निंजा या NQT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी करना चाहते हो प्लीज सब्सक्राइब करो और हम लोग मिल के क्रैक करेंगे, ठीक है। मेनली फॉर 2022 बैच, क्योंकि उसके लिए हायरिंग होने जा रही है और मात्र 25 डे लेफ्ट है। तो चैनल पे बने रहो और जिसको जिसको करना है उसके साथ शेयर करो, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करो, वहां मैं सारा अपडेट डाल दूंगा। सॉरी मैं कल नहीं डाल पाया था, ठीक है। और मेन चीज एक और, आज जो भी कोड होगा पाइथन और C++ दोनों में होगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट आई थी कि C++ में भी चाहिए, तो मैं C++ में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है ये अर्नेस्ट एंड यंग्स में आई थी क्वेश्चन कोडिंग राउंड में, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड द अकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो हम लोग का जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये स्ट्रिंग पहले से इनपुट में दिया हो रहेगा, यूजर इनपुट, और ये भी दिया हो रहेगा। हम लोग को सिंपल करना क्या है कि ये जो कैरेक्टर है ये जिसके साथ भी मैच करेगा काउंट का वैल्यू बढ़ा देना है। जैसे कि ये कितने बार है बस वो हम लोग को प्रिंट कराना है। ये कैरेक्टर मैच किया, कैरेक्टर हम लोग का 1 2 और ये 3, 3 बार है तो आउटपुट में आ गया 3। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे जी, तो जी कितने बार है, देखो पूरा लूप चला है हम लोग, जी तो एक भी बार नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग समझ गए क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अप्रोच के तरफ। तो भैया अप्रोच क्या होगा, तो अप्रोच बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जो मेन स्ट्रिंग है हम लोग का, उसमें लूप चलाएंगे और हम लोग कैरेक्टर के साथ मैच करेंगे कि चलो ये कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है तो काउंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। चलो ट्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले ये इसके साथ, आई मेरा यहाँ है तो आई इसके साथ मैच कर रहा है, काउंट का वैल्यू हो गया 1। फिर हम लोग आई का वैल्यू यहाँ आया, चेक किए क्या इसके साथ मैच कर रहा है, तो आई मेरा यहाँ आ गया, तो कर रहा है भाई, तो यहाँ हो गया 2। फिर आई का वैल्यू यहाँ आया, देखे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है इसके साथ, तो आई का वैल्यू हो गया 3। फिर इस पे गए तो देखो आई का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, 3 ही रहेगा। फिर इस पे आए फिर मैच नहीं कर रहा है, फिर इस पे आए फिर इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, फिर इस पे आए इसके साथ फिर मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग का आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही रह जाएगा। और जी के साथ लेंगे तो पूरा जी आई चला देंगे यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, एक के साथ भी ए का मैच नहीं करेगा, जी और एक थोड़ी बराबर होता है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो ये अप्रोच हो गया हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कोड की तरफ, ठीक है। तो हम लोग का कोड है, देखो ये तो हम लोग का हो गया पाइथन का कोड, बहुत ही सिंपल है, और ये हम लोग का हो गया C++ का कोड। तो देखो हम लोग क्या किए, अच्छा कोई दिक्कत है तो मैं फिर से क्या करता हूँ कि पूरा समझा देता हूँ कोड के साथ, C++ का और पाइथन का भी। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एस ले लिए और ये हो गया इनपुट, यूजर इनपुट लिए हम लोग। फिर हम लोग ले लिए कैरेक्टर जिसके साथ मैच करना है, इसका हम लोग मैच करा दिए। और तो फिर सिंपली हम लोग लूप चला देंगे अपने मेन मेन स्ट्रिंग में, इसके साथ हम लोग को मैच करना है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो काउंट का वैल्यू बढ़ा दो। मैं काउंट को इनिशियलाइज करना भूल गया, काउंट का वैल्यू को हम लोग बढ़ा दिए, तो यहाँ सिंपली क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए काउंट। अब हम लोग इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट वही वाला ले लेते हैं, ए ए ए बी सी डी, यहाँ बी सी डी ले लिए और यहाँ हम लोग ले लेते हैं ए, आउटपुट आ जाएगा 3। फिर हम लोग जी वाला करते हैं क्या, कि चलो सेम ए बी सी ले लिए और यहाँ हम लोग जी ले लिए, अब क्या आएगा आउटपुट, 0 आएगा क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है। सेम चीज हम लोग C++ में करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरा हटा देता हूँ ताकि ये ना लगे कि चलो नहीं समझ में नहीं आया, सबसे पहले मैं पूरा हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखो जूम आउट कर दिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करा देंगे, फिर हम लोग कैरेक्टर को इनिशियलाइज करा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यूजर इनपुट ले लेंगे हम लोग इसका, फिर हम लोग यूजर इनपुट ले लेंगे
करेक्टर का। और हम लोग लूप चलाएंगे अपने मेन स्ट्रिंग में, कहां से कहां तक, तो जीरो से स्टार्ट होगा और फिर आई इज लेस देन एस डॉट साइज, जो भी मेरा स्ट्रिंग का साइज रहेगा उससे एक कम तक। क्यों? क्योंकि जीरोथ इंडेक्स होता है। ये सब बताने वाला चीज नहीं है, ये सब तो बहुत ही बेसिक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करा देंगे। अगर सॉरी मेरा इन कंडीशन तो मैच ही नहीं किया, चेक करेंगे हम लोग क्या कि इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू काउंट, तब तो हम लोग क्या करेंगे कि काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो यहाँ काउंट का वैल्यू बढ़ गया, और यहाँ भी देखो काउंट को इनिशियलाइज करना भूल गए, तो काउंट को इनिशियलाइज करा दो। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करा देंगे, सी यू टी, और यहाँ हो जाएगा काउंट, एंड दैट्स इट। सिंपली हम लोग रन करा देते हैं, हम लोग क्या ले लिए, ए ए ए ले लिए, बी सी डी और ई ले लिए। यहाँ पे हम लोग का फिर ए ले लिए, आउटपुट आ जाएगा 3। वाई इट इज गिविंग 0, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक काउंट हो गया, माई मिस्टेक माई बैड, यहाँ पे हो जाएगा सी, आई थिंक वाई इट इज गिविंग 0। ए यहाँ देन बी सी डी एंड फाइनली आउटपुट आ गया 3। और सेम चीज हम लोग फिर ए बी सी वाला करके भी देख लेते हैं, पूरा एकदम सेटिस्फाई हो जाओ कि मेरा प्रोग्राम सही है कि नहीं। अलग अलग टेस्ट केस से हम लोग पता कर सकते हैं। नेट स्लो आ जाएगा, आ जाएगा सेम चीज है। अब एक बार हम फिर करके देख लेते हैं स्टॉप, एक बार करके देख ही लेते हैं कितना लेट होगा। थोड़ा सा आ गया, ए ए ए बी सी डी ई, और यहाँ ले लेते हम लोग जी, जी तो है ही नहीं, तो आउटपुट आ जाएगा 0, एंड दैट्स इट। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ एवरीवन, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।